हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कोवे है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने एनाटॉमी की सीरीज़ की शुरुआत की थी। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ का कंटिन्यूशन में चैप्टर 3 देखेंगे। अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू आप जाके पिछले दो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स क्लासिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज एंड द कैरेक्टर ऑफ द बोन। पहले होते हैं लॉन्ग बोन्स। अब हम देखेंगे लॉन्ग बोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग बोन्स इलॉन्गेटेड होते हैं, मतलब लॉन्ग बोन्स लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक बोन है, ओके, ये लॉन्ग बोन है और ये आप देख सकते हैं ये लंबा है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें दो एपिफाइसिस हो गए। देखिए, ये एक एपिफाइसिस और दूसरा एपिफाइसिस। आप देख सकते हैं दो एपिफाइसिस एंड ए डायफाइसिस। सो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि एपिफाइसिस कौन से पार्ट को कहते हैं और डायफाइसिस। सो यहाँ एक डायफाइसिस है। जो लॉन्ग बोन का डायफाइसिस होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। जैसे आपको बताऊँगा, सिलेंडर इस तरीके से दिखता है और उसमें हॉलो कैविटी होगी। हॉलो कैविटी मतलब अंदर खाली स्पेस होगा जिसमें बोन मैरो होगा। आपको पता होगा बोन मैरो से सेल्स बनते हैं। सो बोन मैरो जो फिल करेगा उस एरिया को बोलेंगे मेड्यूलरी कैविटी, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग बोन्स की। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लॉन्ग बोन। एग्जाम्पल्स होते हैं ह्यूमरस, फीमर एंड मेटाकार्पल्स। सो हमने देखा लॉन्ग बोन की प्रॉपर्टीज, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। यह रैबिट, डॉग, फाउल इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्लाविकल डिवॉइड होता है मेड्यूलरी कैविटी। जैसे हमने देखा लॉन्ग बोन में मेड्यूलरी कैविटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सो इसमें मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती है, इसलिए इसे मॉडिफाइड लॉन्ग बोन कहा जाता है। सो ये प्रेजेंट होता है रैबिट, डॉग और फाउल में। अब हम देखेंगे अबॉर्टेड लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो कि इल डेवलप्ड होते हैं, और उनमें एक या दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लॉन्ग बोन्स नहीं होगा। उसे कहेंगे हम अबॉर्टेड लॉन्ग बोन्स। अबॉर्टेड का मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, सो वन या टू कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट का मतलब छोटे। सो ये वह बोन्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं डायमेंशंस में, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस सिमिलर डायमेंशंस के होते हैं। इसमें 6 सर्फेसेस होते हैं और स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट होता है। थिन लेयर
हेयर्स होते हैं कॉम्पैक्ट बोन्स के, सो शॉर्ट बोन्स जो होते हैं ये मोस्टली जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, यूजफुल फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ शॉक। सो किसी भी तरीके का शॉक उसे अब्सॉर्ब करने के लिए ये जॉइंट्स या शॉर्ट बोन्स काम आते हैं, एग्जाम्पल कार्पल्स एंड टार्सल्स। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है रेडियस, यह है अल्ला, यह है रेडियल कार्पल बोन, यह है इंटरमीडिएट कार्पल बोन, यह है अल्नार कार्पल बोन, यह है एक्सेसरी कार्पल बोन, यह है फोर्थ कार्पल बोन, एंड यह है सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज्ड कार्पल बोन। लार्ज मेटाकार्पल, आप देख सकते हैं ये सारे शॉर्ट बोन्स हैं जो कि अब्सॉर्प्शन ऑफ शॉक के लिए काम आते हैं। तो ये कार्पल जॉइंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स के दो लेयर्स होते हैं जो कि कॉम्पैक्ट बोन से बने होते हैं। इसमें इंटरवीनिंग बोनी स्पैक्यूल्स होता है ऑफ स्पॉन्जी बोन्स। डाइपोल होता है इसमें। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं फ्लैट बोन्स के। याद रखिए दो लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, फिर इंटरवीनिंग बोनी स्पेक्यूल स्पॉन्जी बोन्स का और डाइपोल। इसमें एक्सपैंडेड सरफेस होता है। जो सरफेस होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, फैला हुआ। फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं स्कैपुला। तो इसमें सरफेस जो है वो काफ़ी बड़ा होता है जहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट होती है। यह प्रोटेक्शन, जो कैविटीज़ होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए मदद करता है या किसी ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए मदद करता है, जिस भी ऑर्गन के ऊपर ये प्लेस्ड होगा।
एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्कैपुला, हॉसकॉक से एंड सम स्कल बोन्स। क्या था फ्लैट बोन्स के बारे में? सो यह है स्कैपुला। सो यह हम देखेंगे स्कैपुलर कार्टिलेज। यह पार्ट है सुप्रा स्पाइनस फोसा। नेक्स्ट है स्पाइन। यह एंटीरियर बॉर्डर। यह है ट्यूबर स्कैपुला। यह है ग्लेनॉइड कैविटी। यह है पोस्टीरियर बॉर्डर। सो अगर आपने इंट्रोडक्शन टर्मिनोलॉजी चैप्टर नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू आप देख लीजिए ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझने में आसानी होगी। सो यह पार्ट है इंफ्रास्पाइनस फोसा। सो आप देख सकते हैं यह है स्कैपुलर कार्टिलेज। ये डायग्राम था स्कैपुला ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इररेगुलर बोन्स। इररेगुलर का मतलब जो नॉर्मल रेगुलर बोन्स जैसा नहीं होता है। सो यह शेप में इररेगुलर होते हैं, इनका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता। यह प्लेस्ड होते हैं एक्सेस ऑफ द बॉडी। इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। मसल्स के अटैचमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो मैंने उसमें आपको प्रोसेस, हैमुलस, स्टाइलॉइड, इन सब में डिफरेंस बताया था। तो हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे इररेगुलर बोन्स का, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है वर्टिब्रे। आप वीडियो देखते हुए डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
सो आप देख सकते हैं यह डायग्राम वर्टिब्रे का है। सो हम मार्किंग करेंगे, यह है सुपीरियर स्पाइन, कॉडल आर्टिकुलर प्रोसेस, यह पार्ट है क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस, फोरामेन ट्रांसवेरियम, बिफिड ट्रांसवर्स प्रोसेस, यह है बॉडी, यह पार्ट है न्यूरल रिंग और यह है सर्वाइकल वर्टिब्रा। नेक्स्ट है सेस्मोइड बोन्स, ये सीसम शेप्ड होते हैं। यह टेंडन में डेवलप होते हैं ऑफ मसल्स। सो आपको पता होगा मसल्स के साथ टेंडन्स होती है, उन टेंडन के बीच में जो डेवलप होते हैं वो बोन्स को सेस्मोइड बोन्स कहते हैं। यह बर्थ के बाद ऑसिफाइड हो जाते हैं, ऑसिफाइड मतलब बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह पुली की तरह एक्ट करते हैं, पुली मैंने आपको बताया था जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं, यह फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए होता है। एग्जाम्पल है पटेला। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखता है पटेला, यह लेफ्ट पटेला है ऑफ ऑक्स। न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक का ईसी मतलब होता है एयर फील्ड, मतलब जिसमें हवा भरी हो। सो ये लॉन्ग बोन्स ही होते हैं, लेकिन ये फाउल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बर्ड्स में। यह हॉलो कैविटी होती है, हॉलो कैविटी मतलब खाली स्पेस, पर इसमें बोन मैरो नहीं होता। जिस तरीके से एनिमल्स में लॉन्ग बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, फाउल्स के लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता। इन्हें कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। इनका फंक्शन होता है कि जो फाउल का वज़न है, जो शरीर का वज़न है, उसे कम करना। एग्जाम्पल इसके होते हैं ह्यूमरस, फीमर और फाउल। सो बर्ड्स में बर्ड्स के शरीर का वज़न कम करने के लिए न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होते हैं और उन बोन्स के अंदर हवा भरी होती है। याद रखिए उसमें बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता जिस तरीके से वह एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विसरल बोन्स, विसरल मतलब जो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। सो यह वह बोन्स है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज में प्रेजेंट हो गया ऑफ सम एनिमल्स एंड फाउल्स, इन्हें कहा जाता है विसरल या स्प्लैंकनिक बोन्स। फॉर एग्जाम्पल ऑस्कार्डिस मतलब हार्ट ऑफ ऑक्स, सो यह ऑक्स के हार्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑस्फ्रेनिक मतलब डायफ्राम में, किसके, कैमल के। तो याद रखिए ये एग्जांपल जो ऐसा डायफ्राम होता है, सो यह डायफ्राम में ऑस्फ्रेनिक बोन होता है कैमल के। नेक्स्ट है ऑस ऑप्टिकस जो कि रोस्टर और कॉक के
इसे ऑस्क्लेरा भी कहा जाता है, ये आँखों में प्रेजेंट होता है। सभी डायग्राम से याद रख सकते हैं, ऑस्कार्डिस हार्ट में प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रेनिक डायफ्राम में प्रेजेंट होता है, ऑसोप्टिकस आई में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है ऑसरोस्ट्रल, जो कि पिग में प्रेजेंट होता है स्नाउट में, जो कि नोस नॉस्ट्रल्स की तरफ होता है। सो नोज ऑफ पिग में प्रेजेंट होता है, मतलब स्नाउट में। नेक्स्ट होता है ऑस पेनिस, जो कि डॉग के पेनिस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है अनक्लासिफाइड बोन। अभी तक हमने सारे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पढ़े, अब होते अनक्लासिफाइड बोन्स। वह बोन्स जिसे किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते और उन्हें क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसे बोन्स को कहा जाता है अनक्लासिफाइड बोन्स। इसका एग्जांपल है रिब्स। सो रिब्स को आप किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसलिए वह अनक्लासिफाइड है। सो आप देख सकते हैं यह डायग्राम है रिब्स का। अब जितना हो सके एनाटॉमी में डायग्राम प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में विल फेच नाइस मार्क्स। यह क्रेनियल बॉर्डर इंडिया है, डिस्टल एंड। सो एनाटॉमी में आप जितने डायग्राम्स बनाएंगे, उतना आपकी इस सब्जेक्ट को लेके क्लैरिटी दिख जाएगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं और वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी टॉपिक लेकर आती रहूँगी। सो आप पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी इन सब्जेक्ट के बारे में। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।